अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुबरा खान और आज हम हैं हम कहां के सच्चे थे के सेट पे, जहां पे मैं प्ले कर रही हूं मशल। मेरा नाम मशल है, मैं अपने नाम की तरह रोशन, चमकदार, खूबसूरत और आग लगा देने वाली हूं। कम लाइन में कैसे बताऊं? स्टोरी जो है, आई थिंक मेनली इट्स अबाउट दो लड़कियां जो कजन्स हैं और जिनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी बचपन में, लेकिन जैसे वो बड़े हुए जो इख्तलाफात उनके बीच में आए तो उनकी स्टोरी है बेसिकली। एंड ऑब्वियसली उनका जो एक और कज़न है असद, हम तीन के बारे में कहानी है मेनली। रियल लाइफ में तो मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती, लाइक वो कम्प्लीटली पोलर ऑपोजिट है। अगर मैं नॉर्थ पोल हूँ तो वो साउथ पोल है, बिल्कुल भी नहीं। लाइक मैं बॉर्डर लाइन नफरत करती हूँ इस कैरेक्टर से। नर्वस नहीं, नॉट नर्वस एट ऑल, लेकिन वो बहुत कहती हैं कि मैं तो बॉलीवुड से होके आई हूँ, यू नो मुझे प्रोटोकॉल चौकी, शी डजंट से एनीथिंग लाइक दैट। एक्चुअली माहिर के साथ काम करना इट्स अ ग्रेट प्लेजर, क्योंकि वो इतनी डाउन टू अर्थ है ऑनेस्टली। लाइक वो बॉलीवुड से होके आई हैं और उन्हें और इतनी सारी अचीवमेंट्स की हैं, उसके बावजूद जिस तरह से वो सेट पे होती हैं, यू नो इट्स सो डाउन टू अर्थ एंड सो स्वीट एंड सो हम्बल एज अ पर्सन, कि लगता ही नहीं है कि हम किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक जब पहले मैं आई थी तो मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में साथ में काम कर लिया था, लेकिन जब वो आपको फीडबैक मिलता है अपने प्रोजेक्ट का तो आपको रियलाइज होता है कि क्या चीज़ एक्चुअली इम्पैक्ट करती है। सो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं एक बंदे की भी जिंदगी में कोई फर्क आ जाए इन अ पॉजिटिव वे। आई हैव डन माई जॉब। प्रीवियस ड्रामा सीरियल्स, इट्स डिफरेंट इन अ वे, मेरा जो कैरेक्टर है वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, यू नो। पहले मैंने ज़्यादातर पॉजिटिव रोल्स किए हैं या यू नो चुलबुली रोल्स किए हैं। इसके अंदर पॉजिटिविटी भी है इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरा कैरेक्टर है, आप जब देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि उसके अंदर इतने सारे शेड्स हैं कि इसकी वजह से हम कहाँ के सच्चे हैं, बिकम कम्प्लीटली डिफरेंट टू एनी थिंग आई डन बिफोर, विच इज़ वाई मेरे लिए मुश्किल भी है लेकिन एक्साइटिंग भी है। तो फुल एक चैलेंज, आई होप आई डू वेल। शीरीन वो कुछ ना कह के भी इतनी पावरफुल थी, हालांकि देखा जाए तो उसने इतना कुछ किया नहीं था, लेकिन इतने जुल्म को सह के और उसके बाद खड़े रहना और फिर भी लड़ने की हिम्मत रखना, आई थिंक असल ताकत यही होती है, वो शीरीन के अंदर थी। नाज़नीन वाज आल्सो अगेन मेरा इतना पर्सनली फेवरेट नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही कम्प्लीटली स्पॉइल्ड ब्रैट थी, मेरी पर्सनैलिटी से बहुत मुख्तलिफ थी वो। आई मीन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट वो बहुत मुख्तलिफ थी एंड आई एम ग्लैड कि एट द एंड ऑफ द डे उसने अपना सबक सीख लिया था, लेकिन उसकी एक जर्नी थी। लेकिन शीरीन जो थी उसने सिर्फ ग्रो किया था थ्रू आउट, और उसने कहा था कि जो हो जाए मैं ब्रेक नहीं करूँगी, वो ब्रेक नहीं की थी। और उस इन्वायरमेंट में ना टूटना एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस इन्वायरमेंट में शीरीन थी। सो एंड प्रीत तो एक शी वॉज अ स्वीट हार्ट। एज अ डायरेक्टर उनकी जो एक साइकी है बिहाइंड एवरी कैरेक्टर, एवरी सीन दैट ही डज, एवरी फ्रेम जो वो बनाते हैं, वो एक दिन वो सेट पे नहीं थे तो समझ आई हमें उनको कि वी गेट दैट, वी गेट इट, वी गेट इट, वी अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थॉट आई हैड, इन ऑल ऑनेस्टी, मैं नहीं करना चाहती थी हम कहाँ के सच्चे मशल का कैरेक्टर, क्योंकि मैं नेगेटिव, नथिंग टू डू विद मशल या हम कहाँ के सच्चे, मैं नेगेटिव रोल नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, आई वांट टू डू पॉजिटिव रोल, दिस एंड दैट। बट देन जब मैंने उसको पढ़ा, आई रियलाइज कि वो सिर्फ नेगेटिव नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, एंड एक चैलेंज महसूस हुआ, विच इज़ वाई आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लेट्स डू इट। एक्चुअली हम कहाँ के सच्चे का जो मैसेज है वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारा मुल्क है उसमें जेलसी, हसद, बुरा कहना, बुरा सुनना, ये सारी चीज़ें चाहते ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा हैं, और हम कंपैरिजन बहुत करते हैं लोगों से। महरीन और मशर इसी चीज़ का एग्जांपल है कि माँ बाप का किरदार कितना इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने में, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। तो ये दोनों एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल हैं कि वो किस तरह बड़ी हुई, अगर उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती तो शायद उनका प्यार भी डिफरेंट होता। और फनी बात यह है कि उनका प्यार आपस में है, लेकिन इट्स बीन ब्रेन वॉश्ड कम्प्लीटली, और यही चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए।
तो आई रियली होप कि लोगों को ये समझ आए, क्योंकि दुनिया में वैसे ही बहुत चीज़ें बुरी हो रही हैं, तो प्यार फैलाना, प्यार सिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि हम कंपेयर कर करके इंसान को एहसास कमतरी में डाल दें या नफ़रत सिखाएं। ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे,